सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल स्टार स्पोर्ट्स एंड पी। सो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज आप सबों के बीच में पुनः एक बार लेकर आ रहा हूं और एक बेहतरीन फुटबॉल प्रतियोगिता का मैच एडविल। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं चक्करधरपुर एरिया का फुटबॉल प्रतियोगिता के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए आज हम लोग इस टूर्नामेंट के बारे में विस्तार से जानेंगे कि इस टूर्नामेंट में किस प्रकार से पुरस्कार की राशि है और किस प्रकार से नियम रखा गया है, कितना दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता है, प्रवेश शुल्क के साथ साथ कितना टीम की डिमांड है, सब कुछ मैं डिटेल्स बताऊंगा इस टूर्नामेंट के बारे में। तो चलिए वीडियो के आगे तक बने रहें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह से स्पोर्ट्स से जुड़ी खबर आप तक जल्दी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए अगर बात करें दोस्तों इस टूर्नामेंट के बारे में, इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो निश्चित रूप से ये एक फेमस टूर्नामेंट है, काफ़ी लोकप्रिय है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक से बढ़कर एक टीम हमें देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कल्याण मंच बूढ़ी घोड़ा का। जी हाँ, कल्याण मंच बूढ़ी घोड़ा की ओर से फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जो कि प्रखंड की बात करें तो चक्करधरपुर है। और फुटबॉल खेल अगर दिनांक की बात करें तो ये जो है 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता है और तारीख जो है 20 से 23 दिसंबर तक चलेगी। जी हाँ, 20 से 23 दिसंबर तक चलेगी ये फुटबॉल प्रतियोगिता। और साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों स्पोर्ट्स का भी यहाँ पे आयोजन रखा गया है। स्पोर्ट्स की बात करें तो 25 दिसंबर को, और फाइनल की बात करें तो फुटबॉल प्रतियोगिता का तो 26 दिसंबर को खेला जाएगा। जी हाँ, पुनः मैं आप सबको विस्तार से बता दूँ, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो क्लियर कर लीजिएगा। प्रखंड चक्करधरपुर है और चक्करधरपुर का ये फुटबॉल प्रतियोगिता है, कल्याण मंच बूढ़ी घोड़ा, जो कि चक्करधरपुर के अंतर्गत आता है। और फुटबॉल खेल दिनांक की बात करें तो यहाँ पे 20 से 23 दिसंबर तक चलेगी। जी हाँ, फुटबॉल खेल प्रतियोगिता 20 से 23 दिसंबर तक चलेगी। स्पोर्ट्स की बात करें तो 25 दिसंबर को चलेगी। और फाइनल खेल की अगर बात करें फुटबॉल का तो 26 दिसंबर को होगी। चलिए अगर नियम की बात करें तो नियम कुछ इस प्रकार है। अगर सबसे पहले हम लोग टीमों की बात कर लेते हैं, टीमों की डिमांड की बात करें तो यहाँ पे 64 टीम की मांग रखी गई है और 9 साइड का मुकाबला होगा। जी हाँ, 9 खिलाड़ी भाग ले सकते हैं इस टूर्नामेंट में। और प्रवेश शुल्क की अगर बात करें तो यहाँ पे 7,100 रुपया रखा गया है, प्रवेश शुल्क 7,100 रुपया, और फुल पेड लिया जाएगा, क्योंकि फुल पेड अगर आप देते हैं तो कमेटी को सुविधा होगी, टाई शीट देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। और दोस्तों, अगर बात करें इस टूर्नामेंट में समय सारणी का, तो यहाँ पे प्रथम चक्र में आपको 10-10 कुल मिलाकर 20 मिनट का मौका दिया जाएगा अपना परिणाम निकालने के लिए। और साथ में द्वितीय चक्र की जब बारी आएगी तो द्वितीय चक्र में आपको 15-15 कुल मिलाकर 30 मिनट का समय दिया जाएगा। जी हाँ, और साथ में अगर और नियम की बात करें तो सभी खिलाड़ियों को जूता जर्सी पहनना अनिवार्य है, साथ में जर्सी में नंबर होना ज़रूरी है। तो इस प्रकार नियम रखा गया है दोस्तों। 64 टीम की डिमांड है और प्रवेश शुल्क 7,100 रुपया रखा गया है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं दोस्तों इस टूर्नामेंट में किस प्रकार से पुरस्कार की राशि है। वैसे इंडिविजुअल प्राइज की बात करें तो इंडिविजुअल प्राइज यहाँ पे मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर 5,000 नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। जी हाँ, मैन ऑफ द सीरीज को। और साथ में बेस्ट गोलकीपर की बात करें तो 3,000 रुपये से सम्मानित किया जाएगा। बेस्ट स्कोरर की अगर बात करें तो यहाँ पे 3,000 रुपये रखा गया है। तो इस प्रकार इंडिविजुअल प्राइज है, निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा इंडिविजुअल प्राइज है। और साथ में अगर मेन प्राइज की बात करें दोस्तों तो इस टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 8 पुरस्कार दिए जाएंगे। 64 टीम में आपको 8 पुरस्कार मिलने वाला है। अगर हम लोग प्रथम पुरस्कार की बात करें तो प्रथम पुरस्कार के तौर पर 2 लाख, साथ में एक चमचमाती ट्रॉफी दिया जाएगा। और द्वितीय पुरस्कार की बात करें तो 1,30,000, साथ में एक ट्रॉफी दिया जाएगा। और तृतीय पुरस्कार की बात करें तो 55,000 रुपया, चतुर्थ पुरस्कार की बात करें 55,000 रुपया, और साथ में पांचवा पुरस्कार की बात करें 25,000 रुपया, छठा पुरस्कार की बात करें 25,000 रुपया, सातवां पुरस्कार की बात करें 25,000 रुपया, और आठवां पुरस्कार की बात करें तो 25,000 रुपया। तो इस प्रकार पुरस्कार की राशि है। साथ में अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस टूर्नामेंट में विदाउट इंडिविजुअल प्राइज का, पुरस्कार का अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर 6,10,000 रुपया यहाँ इस टूर्नामेंट में जितने वाली टीम को मिलने वाला है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से एक लकटक या फुटबॉल प्रतियोगिता है। चलिए, ये रहा दोस्तों इस प्रकार से पुरस्कार की राशि कल्याण मंच बूढ़ी घोड़ा में लकटक या फुटबॉल प्रतियोगिता का। साथ में दोस्तों, कल्याण मंच बूढ़ी घोड़ा में
और एक फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन रखा है। जी हाँ, 40+ खिलाड़ियों के लिए जिस दिन लकटकिया फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल का मुकाबला होगा 26 दिसंबर को, उसी दिन को 40+ खिलाड़ियों के लिए भी एक टूर्नामेंट रखा गया है। जी हाँ, 40+ खिलाड़ियों की अगर बात करें तो उनके पास एक अच्छा मौका है अपना प्रतिभा को दिखाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर खेल दिनों की बात करें तो 26/12/2024 को होगी, 26 दिसंबर को, यानी कि जिस दिन लकटकिया फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल का मुकाबला खेला जाएगा उसी दिन को 40+ का भी मुकाबला आप सभी लोग देख पाएंगे। जो कि अगर इस टूर्नामेंट का अगर हम लोग बात करें नियम के साथ साथ किस प्रकार यहाँ पे पुरस्कार की राशि है, तो चलिए आप सभी को मैं बता दूँ। 40+ के लिए 40+ के लिए अगर हम लोग बात करें दोस्तों प्रवेश शुल्क का, तो यहाँ पे 8,100 रुपया रखा गया है प्रवेश शुल्क, 8,100 रुपया। और साथ में अगर हम लोग टीमों की बात करें तो टीम जो है 8 टीम की डिमांड है, जो कि अगर 8 टीम पूरा नहीं होता है तो पुरस्कार में परिवर्तन किया जाएगा। सुबह 9 बजे से ये खेल प्रारंभ होगी। साथ में अगर हम लोग दोस्तों बात करें इस टूर्नामेंट में किस प्रकार से पुरस्कार की राशि है, तो 8 टीम में आपको केवल 2 पुरस्कार मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 8 टीम में आपको 2 पुरस्कार मिलने वाला है। प्रथम पुरस्कार की बात करें तो 45,000 रुपया और द्वितीय पुरस्कार की बात करें तो यहाँ पर 25,000 रुपये रखा गया है। तो इस प्रकार 8 टीम में काफ़ी अच्छा पुरस्कार है। जी हाँ, प्रथम पुरस्कार 45,000 और द्वितीय पुरस्कार 25,000 रुपये दिया जाएगा। प्रवेश शुल्क 8,100 रुपये रखा गया है। चलिए, फुटबॉल प्रतियोगिता के साथ साथ डांस और साथ में स्पोर्ट्स का भी यहाँ पे कार्यक्रम रखा है कल्याण मंच बूढ़ी घोड़ा पर। जी हाँ, कल्याण मंच बूढ़ी घोड़ा पर आप डांस का भी महाकुंभ देख सकते हैं और स्पोर्ट्स का भी कार्यक्रम रखा है। तो एक विशाल फुटबॉल प्रतियोगिता है दोस्तों। जी हाँ, चलिए तारीख की अगर बात करें तो यहाँ पे 25 दिसंबर को स्पोर्ट्स के साथ साथ आप डांस प्रतियोगिता का भी मनोरंजन कर सकते हैं इस टूर्नामेंट में। जी हाँ, चलिए अगर हम लोग 25 तारीख की बात करें तो 25 तारीख को स्पोर्ट्स भी है और डांस प्रतियोगिता भी है। सबसे पहले हम लोग डांस प्रतियोगिता के बारे में बात कर लेते हैं। आदिवासी डांस प्रतियोगिता जो कि प्रवेश शुल्क है 2,000 रुपया और टीमों की संख्या है 4। जी हाँ, टीमों की संख्या 4 है और प्रवेश शुल्क 2,000 रुपया है, जिसमें 2 पुरस्कार रखे गए हैं, जो कि प्रथम पुरस्कार 15,000 रुपया। जी हाँ, प्रथम पुरस्कार 15,000 रुपया, द्वितीय पुरस्कार 10,000 रुपया रखा गया है। तो इस प्रकार जो है आदिवासी डांस प्रतियोगिता का आयोजन भी रखा है कल्याण मंच बूढ़ी घोड़ा पर 25 दिसंबर को और ये दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। तो चलिए, इस प्रकार कल्याण मंच बूढ़ी घोड़ा में फुटबॉल प्रतियोगिता के साथ साथ डांस धमाका हम लोग को देखने को मिलेगा इस टूर्नामेंट में। जी हाँ दोस्तों, डांस धमाका इस प्रकार है और साथ में अगर हम लोग बात करें दोस्तों इस टूर्नामेंट में डांस धमाके के साथ साथ उसी दिन को स्पोर्ट्स का भी कार्यक्रम रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, 25 दिसंबर को स्पोर्ट्स का भी कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें काफ़ी सारे पुरस्कार भी हैं। वैसे अगर हम लोग बात करें दोस्तों जवानों का दौड़ का, तो जवानों का दौड़ में आपको 2 पुरस्कार मिलेंगे। प्रथम पुरस्कार के तौर पर 5,500 रुपया और द्वितीय पुरस्कार 3,000 रुपये रखा गया है। जी हाँ, विनर और रनर को इस प्रकार से सम्मानित किया जाएगा पुरस्कार देकर जवानों को दौड़ के लिए। साथ में अगर हम लोग बात करें दोस्तों सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के लिए भी 2 पुरस्कार है। प्रथम पुरस्कार की बात करें तो 3,000 रुपया और द्वितीय पुरस्कार की बात करें तो 1,500 रुपया रखा गया है। बच्चों का दौड़ की बात करें तो अंडर 12 के लिए 1,300 रुपया और प्रथम पुरस्कार, और द्वितीय पुरस्कार की बात करें तो यहाँ पर 800 रुपया रखा गया है। और बच्चों का दौड़ अंडर 14 की बात करें तो अंडर 14 में 2 पुरस्कार रखा गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार 1,500 रुपया और द्वितीय पुरस्कार की बात करें तो 800 रुपया रखा गया है। साथ में बच्चियों का दौड़ की बात करें तो अंडर 12 के लिए 1,300 रुपया और द्वितीय पुरस्कार की बात करें तो 800 रुपया रखा गया है। साथ में बच्चियों का दौड़ की अगर बात करें अंडर 14 के लिए प्रथम पुरस्कार के तौर पर 1,500 रुपया रखा गया है। साथ में अगर हम लोग द्वितीय पुरस्कार की बात करें तो 800 रुपया से सम्मानित किया जाएगा। तो इस प्रकार बच्चियों का दौड़ है। साथ में अगर बड़ी लड़कियों की दौड़ की बात करें तो यहाँ पे बड़ी लड़कियों का दौड़ के लिए प्रथम पुरस्कार 4,500 रुपये रखा गया है और द्वितीय पुरस्कार की बात करें तो यहाँ पे 3,000 रुपये रखा गया है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं दोस्तों कि कल्याण मंच बूढ़ी घोड़ा चकधरपुर का जो ये टूर्नामेंट है काफ़ी बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट है, चूँकि यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम रखे गए हैं फुटबॉल प्रतियोगिता के साथ साथ। यहाँ पे डांस धमाका भी हमें देखने को मिलेगा, साथ में स्पोर्ट्स का कार्यक्रम बहुत कुछ यहाँ पे, साथ में 40+ खिलाड़ियों के लिए भी यहाँ पे टूर्नामेंट रखा गया है। कुल मिलाकर अगर हम लोग दिन को अगर कैलकुलेट करते हैं तो कुल मिलाकर 6 दिन यहाँ पे लगने वाले इस टूर्नामेंट में। वैसे 20 से 23 दिसंबर तक चलेगी फुटबॉल प्रतियोगिता लकटकिया का, और यहाँ पे 40+ की बात करें तो 26 तारीख को चलेगी। 26 तारीख को फाइनल का मुकाबला भी होगा लकटकिया फुटबॉल प्रतियोगिता का, और साथ में डांस धमाका भी हम लोग को देखने को मिलेगा जो कि 25 दिसंबर को, और उसी के साथ साथ 25 दिसंबर को स्पोर्ट्स का भी कार्यक्रम रखा गया है। तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन फुटबॉल टूर्नामेंट है कल्याण मंच बूढ़ी घोड़ा प्रखंड
चक्करधरपुर और इस फुटबॉल प्रतियोगिता में आप सबों का हार्दिक स्वागत कर रहा है।